इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। खास बुलेटिन, बेलगाम के मरकजी रेल वजीर सुरेश अंगड़ी की कोरोना से मौत। बेलगाम शहर में अफसोस का इजहार किया जा रहा है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मरकजी वजीर सुरेश अंगड़ी साहब का आज दिल्ली के अस्पताल में मौत हो गई। वाजह रहे कि जनाब सुरेश अंगड़ी 11 तारीख को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद इन्हें दिल्ली के अस्पताल में दाखिल किया गया था। कहा यह भी जा रहा है कि इन्हें कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से पहले किसी तरह के इम्कान नजर नहीं आ रहे थे, यानी कि असिम्टोमेटिक कोरोना जिसे कहा जाता है। लिहाजा इन्हें एम्स दिल्ली में दाखिल किया गया। सुरेश अंगड़ी की उम्र 65 साल की थी। इनकी पैदाइश बेलगाम के छोटे से देहात के कोप में 1955 में हुई। इनके वालिद किसान थे। इनके वालिद का नाम चन्नबसप्पा अंगड़ी था। सुरेश अंगड़ी 1996 भाजपा बेलगाम क्षेत्र के नायब सदर बनाए गए। बहुत सारे सामाजिक खदमात भी इन्होंने अंजाम दिए। कामयाब ताजिर के साथ इल्मी मैदान में भी इन्होंने अपने खदमात अंजाम दिए। 2004 से लेकर अब तक बेलगाम लोकसभा रुकन के तौर पर चुने जा चुके हैं। यह बेलगाम लोकसभा रुकन के तौर पर तारीखी जीत जनाब सुरेश अंगड़ी के नाम दर्ज रही। आज अचानक इनकी मौत से बेलगाम शहर और अतराफ में गम का माहौल छाया हुआ। इत्तेहाद न्यूज देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।